अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल का नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों, इससे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आप आ चुका हूं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। दोस्तों इसी वीडियो बताऊँ कि अगर आपका स्मार्टफोन अगर चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उस सिचुएशन में अपने स्मार्टफोन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से अपने स्मार्टफोन को फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, सिंपली करना कि आपको यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको करना क्या, नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करना है इस पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको करना है कि आप नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फाइंड माई मोबाइल, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपके पास सैमसंग के जो अकाउंट है यहाँ से अगर है तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए, अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पर अकाउंट नहीं है सैमसंग का, सिंपली यहाँ पर सैमसंग का अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इन प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैं सैमसंग का अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या, मुझे यहाँ पर ऊपर ईमेल आईडी देनी, नीचे पासवर्ड देना है, और नीचे अगर आपका जो फिंगरप्रिंट है तो यहाँ फिंगरप्रिंट दे सकते, ठीक है। और अगर फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो दोस्तों मैं सारा कुछ फिल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे सारा कुछ फिल कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, तो थोड़े इसको बैक करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी दे दीजिए यहाँ से, ठीक है। अपना यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर है दे दीजिए यहाँ पे, और नीचे सेलेक्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे लिखा जैसे वेयर इज़ योर फेवरेट सिटी, सिंपली क्लिक करता हूँ सिटी, तो यहाँ पर मैं एक सिटी लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक है। और डन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर दे दीजिए ऊपर यहाँ पे एक। तो दोस्तों मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे पैक करना है, पैक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, इन टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। सिंपली इसको मैं एग्री कर लेता हूँ सर, और एग्री पे क्लिक करता हूँ, ये साइनिंग अप कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लिखा वेलकम टू सैमसंग अकाउंट, यू सैमसंग अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली, यू कैन नाउ डाउनलोड सैमसंग सर्विस एंड एंजॉय यू एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, कंफर्म क्लिक करना आपको। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ जो हमारा सैमसंग अकाउंट है यहाँ से क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पर रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ से ऑन कर दीजिए, गूगल लोकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा सिम चेंज अलर्ट, तो सिंपली दोस्तों ये जो यहाँ पर लिखा सिम चेंज अलर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से जो आपका जो खोया हुआ स्मार्टफोन है उसको यहाँ से बड़े वापस लेगा। तो सिंपली करना है कि यहाँ पर इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑन करना है उसको, तो यहाँ से ठीक है ऑन कर दिया। यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, जैसे मैसेज टाइप करना, यहाँ पे अलर्ट मैसेज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर लिख दीजिए चोरी मोबाइल, ठीक है। चोरी मोबाइल लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर और नीचे यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दीजिए अपना, ठीक है। अगर आपका कोई स्मार्टफोन चोरी हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है। यहाँ पर डाल दो कोई नंबर, ठीक है, अपना। ठीक है, मैंने यहाँ डाल दिया, और डाल दिया, ठीक है मैंने। और नीचे एक कोड नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे दो मोबाइल नंबर डाल दिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही अगला जैसे जिसने फ़ोन चोरी किया है, ठीक है, अगर वो आपकी सिम को निकाल के अपनी सिम लगाता है, ठीक है, जैसे अपनी सिम लगाएगा और इन दो नंबर पे मैसेज आ जाएगा अपने आप, ठीक है, आपके आपको अलर्ट कर दिया जाएगा कि जो जिस बंदे ने आपका फ़ोन चोरी किया है उसने सिम निकाल के अपनी सिम यहाँ पर लगा दी है, और आपके फ़ोन में यहाँ पर मैसेज आ जाएगा चोरी मोबाइल का, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रोसेस है, और वे इजीली से अपने स्मार्टफोन को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कोई अगला बंदा आपका फ़ोन को चोरी करता है और जैसे वो अपनी सिम चेंज करता है, तो दोस्तों इन दो नंबर पे जो आपने यहाँ पर नंबर दिए होंगे वहाँ पे आपको एक मैसेज अलर्ट आ जाएगा, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो दोस्तों स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे प्लस 91 लगाना होगा, क्योंकि जो कंट्री कोड है यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्लस 91, ठीक है, प्लस 91 यहाँ पर ऐड करके अब यहाँ से उसको यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। प्लस 91 के बाद ही आपका ये यहाँ पे सेव हुआ, ठीक है। सिंपली क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अलर्ट मैसेज सेव, ठीक है, यहाँ सेव हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है सुझाव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।